नरकटियागंज में मुख्य पार्षद पद पर उपचुनाव हो रहा है। चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बता दें कि आज स्वर्गीय राजेश श्रीवास्तव की पत्नी रीना देवी ने सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इसके पूर्व इन्होंने अपने समर्थकों के साथ पोखरा मंदिर में माता रानी से आशीर्वाद लेकर निर्वाची पदाधिकारी सहित सीडीओ धनंजय कुमार के समक्ष सभापति पद पर्चा दाखिल किया। इस दौरान रीना देवी ने कहा कि पति के सपनों को साकार करने के लिए चुनावी मैदान में हूँ। जो सपना देखे थे उनको तो हमको पूरा करना है, जैसे भी हो मतलब हम लोग भी करेंगे, जैसे हो सकता है करेंगे। एक औरत है तो ये नहीं कि हम कमजोर हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो भी उनका काम था, जो भी वो यहाँ के वादा किए थे यहाँ पे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सब हम करेंगे। अब इतना भेद तो हम नहीं जानते, सामदंड भेद कैसे होता है, लेकिन जो भी सच्चे दिल से करेंगे। उनके प्रति जो रुझान था, क्या आपको लगता है कि आपके प्रति रुझान वो मिल पाएगा, आप वो कैसे हासिल कीजिएगा? ये तो मतलब आज देखे ही है कि कैसे दोस्त था, सबका आशीर्वाद सबका प्यार मिला, उनको भी मिला था, उनको भी मिला है और आगे भी कोशिश रहेगा। सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि सब कोई मिले, जैसे उनको रात प्यार किए उसे। फाइनली वोटर जो है, जितने भी वोटर हैं नकटिया नगर परिषद के, उनसे आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो जो सपना देखे तो उनको हमको पूरा करना है, उन्हीं के सपना के लिए हम आगे आ रहे हैं। और आगे आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। वो जो नारा लगाए थे 20 साल बनाम 2 साल, वो हम पूरा करेंगे और सबकी इच्छा पूरा करेंगे, जो भी हो सके जैसे भी हो सके हम करेंगे। पापा के पास बहुत ज़्यादा, मेरे पिताजी के पास बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट रहा, उन लोगों का सपोर्ट रहा तो हमको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उन लोगों के आशीर्वाद से बहुत आसानी से होगा, सबके सहयोग से। अगर अकेले भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस शहर ने, जिसने मेरे परिवार को सब कुछ दिया है, मेरे परिवार या इस शहर का नहीं रहा है, मेरा परिवार बाहर से आया है लेकिन इस शहर ने हमें प्यार दिया, मेरे पापा को बहुत प्यार दिया और आगे बढ़े, ऐसे ही इस शहर को हम वापस करना चाहते हैं जो उन्होंने हमें दिया है। तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और 20 साल बनाम 2 साल जरूर पूरा होगा, सबके सहयोग से होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सहयोग सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितने लोग भी विरोधी थे, अगर विरोधी नहीं होते तो उनकी हत्या नहीं होती। विरोधी जितने लोग हैं उनसे आप क्या कहिए? विरोधी कल भी थे, कुछ इतने बड़े विरोधी थे कि उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया और विरोधी आज भी हैं। विरोध तो हमेशा होता है, लोगों का यही है, हम क्या कर सकते हैं। हमें अपने कर्म करने पर ध्यान देना है और अपने लोगों का सेवा करना है। मेरा परिवार है, अब मुझे अपने परिवार का ध्यान देना है। विरोधियों के बारे में मुझे कुछ नहीं ज़्यादा कहना।